हाय, मेरा नाम बोरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो अभी रिसेंटली सर्कुलर आया हुआ है 9 सितंबर को, और वो डेट एक्सटेंशन से रिलेटेड है इनकम टैक्स के और ऑडिट रिपोर्ट के। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो आपका सर्कुलर आया है ये आपको मिलेगा कहाँ पर। तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं इस टाइम इनकम टैक्स की साइट पे हूँ और ये इनकम टैक्स की साइट है incometaxindia.gov.in। मैं अभी साइट पर खड़ा हुआ हूँ, और आपको अगर कोई भी सर्कुलर देखना है, कोई भी नोटिफिकेशन देखना है, या अगर आपको इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है और रूल्स देखने हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड, तो आप इस साइट पे आएंगे incometaxindia.gov.in। तो फिलहाल में मैं अभी इस साइट पे आ चुका हूँ। इस साइट पे आने के बाद में आपको करना क्या है, स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में आप नीचे देख सकते हैं, नीचे आपको इनकम टैक्स लॉ एंड रूल्स लिखा हुआ है। इसमें काफी सारे लिंक दे रखे हैं। अगर आपको एक्ट देखना है तो एक्ट पे क्लिक करेंगे, अगर आपको रूल्स देखने हैं रूल्स पे क्लिक करेंगे, अगर आपको सर्कुलर पे जाना है सर्कुलर पे क्लिक करेंगे, अगर आपको सर्कुलर पढ़ना है तो, अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़नी है तो नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, अगर आपको बजट पढ़ना है बजट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे लिंक दे रखे हैं, यहाँ पे आप क्लिक करके आप रेलिवेंट डाटा पे आप पहुंच सकते हैं। फिलहाल में मैं आपको अभी सर्कुलर बता रहा हूँ जो आपका रिसेंटली आया हुआ है और वो डेट एक्सटेंशन से रिलेटेड है। तो अगर मैं आपको अभी सर्कुलर दिखाऊं तो यहाँ पे आप सर्कुलर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सर्कुलर पे क्लिक करेंगे ना, ये देखिए आपके जितने भी सर्कुलर अभी तक इशू हुए हैं वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो फिलहाल में तो अभी हमें जो रिसेंटली अभी सर्कुलर इशू हुआ हुआ है 9 सितंबर को, वो वाला देखना है, और वो डेट एक्सटेंशन से रिलेटेड है इनकम टैक्स और ऑडिट रिपोर्ट। तो अभी आपका 17/2021, मैं अभी आप इस पर क्लिक करता हूँ। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका ये सर्कुलर ओपन हो जाता है। ये लिखा हुआ 17/2021, भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि 17/2021 का मतलब ये कि 2021 में ये 17वां सर्कुलर है जो 2021 में इशू हुआ हुआ है। और ये आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है? भाई सब्जेक्ट मैटर है इससे, इसमें जो सर्कुलर में जो बात दे रखी है वो दे रखा है इनकम टैक्स की जो आईटीआर की डेट है, और प्लस जो ऑडिट रिपोर्ट की डेट है। ऑडिट रिपोर्ट कौन सा? इनकम टैक्स की जो ऑडिट रिपोर्ट है उसकी जो डेट है वो क्या हुई है? एक्सटेंड हुई है। क्लियर है? अब सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो डेट है वो एक्चुअल में ऑडिट रिपोर्ट की या फिर इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट है क्या जो एक्ट में लिखी हुई है। क्लियर? तो मैं आपको, हाँ ये आपका, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि डेट थी क्या जो एक्ट में लिखी हुई है सेक्शन 139(1) में। भाई सेक्शन 139(1) है, उसके अकॉर्डिंग किसको को रिटर्न फाइल करना है, ये दिया हुआ है, प्लस डेट दी हुई है। तो डेट एक्चुअल में क्या थी जो एक्ट में लिखी हुई है? अगर आप कोई भी स्थिति अदर देन रेफर टू क्लॉज सेकंड के अलावा कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन, कंपनी, ए पर्सन अदर देन कंपनी हु आर रिक्वायर्ड टू ऑडिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट या एनी अदर लॉ इन अफोर्ड। देखिए, एक तो कंपनी या फिर कंपनी के अलावा कोई भी पर्सन जिसका इनकम टैक्स एक्ट में ऑडिट होता हो या फिर किसी अदर एक्ट में, किसी और लॉ में ऑडिट होता हो, इसके अलावा कोई भी पार्टनर जो उस फर्म में पार्टनर है जिसका ऑडिट होता है, जिसका ऑडिट होना है इनकम टैक्स एक्ट में, इन सब केस में, तीनों केस में जो रिटर्न फाइल करने की जो डेट है जो एक्ट में लिखी हुई है वो है 31 अक्टूबर ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब आपका जो असेसमेंट ईयर चल रहा है वो क्या चल रहा है भाई? 21-22। तो आपको 21-22 की असेसमेंट ईयर 21-22 की जो रिटर्न फाइल करनी है जो एक्ट में दे रखी है वो दे रखी है 31 अक्टूबर 2021। क्लियर है? इसके अलावा अगर आपका टीपी वाला केस है, ट्रांसफर पेंडिंग वाला केस है, ट्रांसफर पेंडिंग मतलब आपके अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है या फिर आपके रेलिवेंट डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन है, तो आपके केस में जो वो आप 92E में कवर है, तो आपको जो रिटर्न फाइल करनी है वो अपनी 30 नंबर तक करनी है जो एक्ट में दे रखी है। इसके अलावा और कोई भी पर्सन, चाहे वो इंडिविजुअल हो गया, एचयूएफ हो गया, फर्म हो गया, यूपी हो गया, पीयूआई हो गया, जिसका ऑडिट रिक्वायरमेंट नहीं है, उस केस में आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है 31 जुलाई 2021 तक, और द असेसमेंट डेट 21-22 के लिए। ये तो एक्ट में दे रखा है। अब देखते हैं हम सर्कुलर ने ये डेट को कितना एक्सटेंड किया हुआ है। क्लियर है? हाँ, तो ये आपका सर्कुलर आ चुका है। क्लियर? तो अभी मैं आपको सर्कुलर दिखाता हूं। पहला पॉइंट, द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग अ रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 विच वाज 31 जुलाई 2021। देखो, जिसके केस में 31 जुलाई 2021 लास्ट डेट थी जो एक्ट में लिखी हुई है रिटर्न फाइल करने की, उसकी जो डेट एक्सटेंड हुई है वो 31 दिसंबर 2021 हुई है। कौन सा सर्कुलर के? सर्कुलर आपका जो ये वाला लेटेस्ट पास हुआ हुआ है 17/2021। इससे पहले एक सर्कुलर और आया था जिसने डेट एक्सटेंड करी थी, वो सर्कुलर था आपका सर्कुलर नंबर 9/2021। उसने ये डेट एक्सटेंड करी थी कितने तक? ये डेट एक्सटेंड हुई थी पहले 30 सितंबर तक, जिसकी डेट एक्ट में 31 जुलाई दे रखी है, उसकी डेट पहले एक्सटेंड हुई थी 30 सितंबर 2021 तक, जिसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है 31 दिसंबर 2021 तक। क्लियर है? इसके बाद में, हाँ, द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग अ रिपोर्ट ऑफ ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट है ना, जैसे फॉर्म, आपका जो फॉर्म है ना, फॉर्म 3CD 3CA 3CD 3CB
इसको जो रिटर्न फाइल इसकी जो ड्यू डेट थी वो थी आपकी जो एक्टिव लिखी हुई है वो थी 30 सितंबर 2021, जिसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया था 31 अक्टूबर 2021 तक, जिसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है कहां तक, 15 जनवरी 2022 तक। मतलब जो एक्टिव में डेट ले रखी है इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की वो दे रखी थी 30 सितंबर 2021 तक, आपको अपना ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना था, जिसको फर्दर एक्सटेंड करा गया था पहले मई में जो नोटिफिकेशन आई थी 9/2021, उसने ये एक्सटेंड करा आपका 31 अक्टूबर तक। फिर अभी जो रिसेंटली सर्कुलर आया हुआ है 17/2021, इसने फर्दर एक्सटेंड कर दिया 15 जनवरी 2022 तक। मतलब आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट आज के टाइम में फाइल करनी है 15 जनवरी 2022 तक। अब तीसरा पॉइंट, द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग अ रिपोर्ट फ्रॉम एन अकाउंटेंट। देखिए ये वो वाली ऑडिट रिपोर्ट है जो आपकी टीपी वाली होती है, ट्रांसफर प्राइसिंग वाली, जो सेक्शन 92(e) के अंदर कवर्ड है। अगर ये वाली आपकी ऑडिट रिपोर्ट है तो ये आपको फाइल करनी है अपनी 31 जनवरी 2022 तक। पहले जो एक्ट में डेट दे रखी थी वो डेट दे रखी थी आपकी 31 अक्टूबर 2021, जिसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया था 30 नवंबर 2021 तक। अब फर्दर इसको एक्सटेंड कर दिया गया 31 जनवरी 2022 तक। अगर आपको जो आपका टीपी वाला केस है उस केस में अगर आपको अभी ऑडिट रिपोर्ट जो फाइल करनी है असेसमेंट डेट 21/22 के लिए, वो करनी है आपको 31 जनवरी 2022 तक। अब हम लोग बात करते हैं इनकम टैक्स के ड्यू डेट के बारे में। देखिए फोर्थ पॉइंट, द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग अ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट डेट 21/22, जिसकी ड्यू डेट क्या है 31 अक्टूबर 2021 है, सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139(1) क्या। अगर जिसकी जो लास्ट डेट थी वो कितनी थी 31 अक्टूबर, जो एक्ट में दे रखी है 31 अक्टूबर 2021 लास्ट डेट थी रिटर्न फाइल करने की, उसको फर्दर एक्सटेंड करा गया था पहले 30 नवंबर 2021 तक, अब इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है 15 फरवरी 2022 तक। अगर आपका ऑडिट जो है, अगर आप ऑडिट पर्सन है तो आपको अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है वो करनी है 15 फरवरी 2022 तक। अब हम पढ़ते हैं पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट लिखा हुआ है द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग अ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 21/22। देखिए ये है आपका टीपी वाला केस, तो टीपी वाले केस में आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है 28 फरवरी 2022 तक। अब बात करते हैं इनकम टैक्स को अगर आप रिवाइज करना चाहते हो या बिलेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हो। अगर आप इनकम टैक्स को रिवाइज करना चाहते हो तो पहले एक्ट में क्या डेट थी, एक्ट में डेट थी 31 दिसंबर, एक्ट में डेट थी आपकी 31 दिसंबर, जिसको फर्दर एक्सटेंड किया गया था 31 जनवरी तक। अब इसको फर्दर नोटिफिकेशन सर्कुलर नंबर 70/2021 से कब तक एक्सटेंड कर दिया गया 31 मार्च। मतलब अगर आपको अपनी रिटर्न रिवाइज करनी है या फिर आपको बिलेटेड रिटर्न फाइल करनी है तो आप असेसमेंट ईयर 21/22 की जो रिटर्न है इनकम टैक्स में वो आप बिलेटेड और रिवाइज 31 मार्च 2022 तक कर सकते हो। क्लियर है। अब दो क्लेरिफिकेशन दे रखे नीचे। पहला क्लेरिफिकेशन दे रखा है जो भैया 234(a) सेक्शन है, अगर आप अपनी रिटर्न फाइलिंग करते हैं ड्यू डेट तक उसके बाद 1% पर मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये कह रहा है कि भैया 234(a) में जो आपका इंटरेस्ट लग रहा है ठीक है, उसका कोई रिलैक्सेशन नहीं है, उसमें डेट आपकी जो एक्ट में दे रखी है वही मानी जाएगी, वही ट्रीट करी जाएगी। मतलब आपका इंटरेस्ट की पेनल्टी जो डेट दे रखी है, ड्यू डेट जो एक्ट में दे रखी है वही ड्यू डेट ट्रीट करी जाएगी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए। मतलब किसी भी सर्कुलर को माना नहीं जाएगा। पहला क्लेरिफिकेशन। दूसरा क्लेरिफिकेशन दे रखा है भैया अगर आप इंडिविजुअल हैं और रेसिडेंट हैं इस केस में आपका जो भी टैक्स जमा हुआ है जो एक्ट में ड्यू डेट है उस डेट तक अगर आपने कोई भी टैक्स जमा कर दिया, अगर आप इंडिविजुअल हैं और रेसिडेंट हैं तो उस केस में वो आपने जो भी टैक्स जमा करा हुआ वो आपका एडवांस टैक्स की तरह ट्रीट कराया जाएगा। किसी तरह ट्रीट कराया जाएगा एडवांस टैक्स की तरह, मतलब उसको इस तरीके से ट्रीट कराया जाएगा कि वो एडवांस टैक्स आपने जमा करा हुआ है। किस केस में? सिर्फ इंडिविजुअल जो कि रेसिडेंट है। क्लियर है। तो ये आपका पूरा नोटिफिकेशन था, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करा। इसी तरीके से इनकम टैक्स से रिलेटेड और जीएसटी से रिलेटेड और फाइनेंशियल नॉलेज आपको मेरे चैनल में मिलती रहेगी, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके बाय।